subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा तालिबात, जमात दहम की रुबाइयात के पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको पता है कि चार मिसरों वाली और एक ख़ास वज़न और बहर में अदा किए गए शायराना ख्याल को रुबाई कहते हैं। आपने कवायद उर्दू की वीडियो में भी इसकी तारीफ सुने होंगे। रुबाई में शायर जो कुछ कहना चाहता है इसका ख्याल पहले मिसरे से तरक्की करता जाता है और चौथे मिसरे में अपने उरूज पर पहुँचता है। इस बहर के 24 औज़ान रुबाई के लिए मखसूस है। उर्दू में रुबाई का आगाज़ फ़ारसी शायर के ज़ैर असर हुआ। फ़ारसी अदब में रुबाई कहने का रिवाज कदीम ज़माने से है। फ़ारसी में उमर खय्याम की रुबाइयाँ बेहद मकबूल हैं। उर्दू के इब्तदाई ज़माने में बाज़ दखनी शोरा जैसे कुली कुतुब शाह और मुल्ला वजही ने रुबाइयाँ कही है। इसके बाद शुमाली हिंद में रुबाई लिखने का रिवाज शुरू हुआ। रुबाई के लिए कोई मखसूस मौजू नहीं है। आम तौर पर इसमें फ़लसफियाना अखलाकी और नसीहत आमोज मजामीन बयान किए जाते हैं। हमदिया और इश्किया मौजूआत पर भी रुबाइयाँ कही गई है। ज़ैल में महाराजा किशन प्रसाद शाह की रुबाई में ज़िंदगी को गफलत में गुजार देने पर फ़िक्र आखिरत और खुदा के आगे जवाबदही के एहसास को पेश किया गया है। अब देखिए यहाँ पर रुबाई का मरकज़ी ख्याल बयान किया जा रहा है, यानी ज़िंदगी को गफलत में गुजार देने पर फ़िक्र आखिरत और खुदा के आगे जवाबदही के एहसास को पेश किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। यास यगाना चंगेज़ी ने अपने मखसूस लब व लहजे में अपनी इनफरादियत को कायम रखने की बात कही है, यानी यहाँ चारों रुबाइयों के बारे में इसका जिक्र है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली रुबाई जिसे किशन प्रसाद शाह ने लिखा है, जान पहचान, पहले हम जान पहचान हासिल करेंगे। महाराजा किशन प्रसाद शाह 28 फरवरी 1864 ईस्वी को हैदराबाद में पैदा हुए। ज़माने के रिवाज के मुताबिक उन्होंने अरबी, फ़ारसी, फ़लसफ़ा और मंतिक की तालीम हासिल की और रियासत हैदराबाद में दो मरतबा वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज़ हुए। सरकार बरतानिया ने इन्हें सर के खिताब से नवाजा था। शायद इनका तखल्लुस था, उन्होंने तकरीबन 60 किताबें तसनीफ़ की है। बाग शायद, बयाज शायद, रुबाइयात शायद और जाम जहान उमा इनकी मशहूर किताबें हैं। 9 मई 1940 ईस्वी को हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ। चलिए पहले इस रुबाई को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे और इसका तशरीह भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। गफलत में गवा के सुबह को शाम किया, गफलत में गवा के सुबह को शाम किया, अफसोस यहाँ आके ना कुछ काम किया, अफसोस यहाँ आके ना कुछ काम किया, किस तरह खुदा को मुँह दिखाऊँगा शायद, किस तरह खुदा को मुँह दिखाऊँगा शायद, अखबा का ना कुछ हाय सर अंजाम किया। चलिए इसके मायने दे समझते हैं। पहले अखबा यानी आखिरत, आखिबत को कहते हैं। सर अंजाम करना यानी इंतज़ाम करना। चलिए दोबारा इसे पढ़ के समझते हैं। गफलत में गवा के सुबह को शाम किया, अफसोस यहाँ आके ना कुछ काम किया। अल्लाह ताला ने इंसान की तबीयत और फितरत को कुछ ऐसा ढप और तकलीफ़ फरमाया है कि जब इसे कोई चीज़ मैसर होती है तो वो इसकी क़द्र व कीमत और अहमियत को नहीं समझता है और इसे खिलौने के बाद काफ़ी अफसोस, इसे खोने के बाद काफ़ी अफसोस मिलता है। इंसानी फितरत और नफ्सियात के इस पहलू को शायर ने इस रुबाई में उजागर किया है। शायर कहता है कि इंसान अपने अरसे हयात के इन कीमती और नादिर लम्हात को गफलत और लापरवाही से गंवा देता है। जब इसे हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ुल इबाद के फ़राइज़ अदा करने होते हैं और जब ख्वाब मुजमिल हो जाते हैं और अनासिर में इतदाल बाकी नहीं रहता, तब वो अपने माबूद हकीकी तरफ रुजू करता है। अब किस तरह खुदा को मुँह दिखाऊँगा शायद, अगबा का ना कुछ हाय सर अंजाम किया। अब इस बात में यहाँ पर बयान करने की कोशिश की गई है कि इसने आखिरत का तो कोई इंतज़ाम ही नहीं किया है। आखिर किस मुँह से अल्लाह ताला के हुजूर जाएगा और किस तरह से इसके सामने अपना नामा आमाल पेश करेगा। दुनियादारी के बखेड़ों में पढ़कर इसने न अपने इन आमाल की दुरुस्तगी पर तवज्जो दी, न अपने अखलाक को संवारा, बस दुनिया का कुत्ता बनकर जीता रहा और जब दुनिया से उठ जाने का वक्त आन पहुँचा तो उसे आखिरत की फिक्र हुई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।